और ये देखिए दोस्तों, तड़का भुंजा गया, तो चलिए नीम फूल को दे दे रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, नीम फूल का सब्जी और भात लग गया। तो दोस्तों आप सभी भी आइए और चलिए आप सभी को नीम फूल का सब्जी टेस्ट करके आप सभी को बताते हैं और खा के भी दिखाते हैं दोस्तों कि नीम फूल का सब्जी रियल में हम लोग खाते हैं दोस्तों, और टेस्ट भी बहुत ही मस्त लगता है। तो चलिए आप सभी बने रहे, तो चलिए खा के आप सभी को बताते हैं टेस्ट। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है सोनू फैमिली ब्लॉग चैनल में, और मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह की शुरुआत हो गई है दोस्तों, तो चलिए सुबह का व्यू आप सभी को दिखाते हैं। और देखिए इधर का पेड़ पौधा का सभी पत्ता वगैरह झड़ गए हैं दोस्तों, और नया पत्ता निकल रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग वीडियो में क्या होने वाला था, आप सभी ब्लॉग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। और आज हम लोग नीम फूल का रेसिपी सब्जी बनाएंगे, और चलिए चलते हैं और खुशबू मिलवाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अरे देखिए भात बना ली है दोस्तों, नीम फूल ले आते हैं दोस्तों पेड़ से तोड़ के, और नीम फूल और आलू से मिक्स बनाएंगे दोस्तों रेसिपी आज। तो आप सभी वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और चलते हैं पेड़ के पास। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग नीम पेड़ के पास आ गए हैं, चलिए फूल को तोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, पापा फूल पे मिलते हैं, डाली डाली तोड़ते हैं दोस्तों, इसमें फूल अच्छा अच्छा है। देखिए दोस्तों फूल कितना अच्छा अच्छा है। इतना तोड़ ली दोस्तों, इतना में हो जाएगा, और फूल देखिए कितना मस्त मस्त है। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, नीम फूल को ले लिया, अब चलते हैं घर, और घर पहुंच के मिलते हैं दोस्तों आप सभी से, और कैसे कैसे बनाते हैं। और इधर का देखिए, इस प्रकार का भी है दोस्तों, एकदम पूरा गर्मी का समय आ गया दोस्तों, इसीलिए सभी पेड़ पौधा से पत्ता झड़ गया है नीम फूल लेकर। और चलिए बनाते हैं दोस्तों, और भात वगैरह पहले बना ली है खुशबू दोस्तों, और मेरा तबीयत भी खराब चल रहा है, दवा वगैरह और इंजेक्शन लगवा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है। चलिए नीम फूल को सभी को अलग करते हैं, और ये देखिए इसमें बीज भी थोड़ा थोड़ा अब आने लगा दोस्तों, इसी का सब्जी बहुत ही मस्त लगता है। फिर दोस्तों नीम फूल को इस तरह से सभी को इसी प्रकार सभी फूल को अलग कर ले रहे हैं दोस्तों, और इसे उबाल के बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि कड़वाहट खत्म हो जाता है। तो आप से भी सोच रहे हैं कि नीम तो बहुत ही तीता होता है दोस्तों, बाकी जो वाकई में होता है, और इसे हम लोग उबाल के बनाएंगे तो इसका कड़वाहट जो है खत्म हो जाएगा, और बहुत ही मस्त लगता है दोस्तों। चलिए सभी फूल को इसी प्रकार से तोड़ लेते हैं, देखिए कितना मस्त एकदम फूल दिख रहा है। तो चलिए सभी को तोड़ते हैं फटाफट दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इतना फूल निकाल लिए नीम वाला, और देखिए इतना सभी डंठल वगैरह है। तो चलिए इस सबको हटा देते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, कढ़ाई को देते हैं नीम फूल को उबालने के लिए, कढ़ाई खुशबू दे दी दोस्तों, और पानी छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, इसी में डाल दो। और ये देखिए दोस्तों, फूल को देते हैं, बस एक मिनट से ज़्यादा नहीं उबालिएगा दोस्तों, एक मिनट उबालिएगा। चलिए इधर आलू 4-5 पीस कटिंग कर लेते हैं, तो काटो खुशबू। तो चलिए जब तक इधर आलू को कटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, कढ़ाई को फिर से दे दे रहे हैं चूल्हा पे गर्म होने के लिए, और इसको धो खुशबू। देखिए फूल इतना है दोस्तों, और देखिए कलर इसका और बदल गया। तो चलिए फूल को धो लेते हैं 1 से 2 पानी, जो इसका कड़वाहट है निकल जाएगा दोस्तों। धो इसको, चलिए धो लेते हैं अच्छी तरह से, और खटाई भी डालेंगे दोस्तों, और बहुत ही मस्त लगेगा। और ये देखिए सभी सामग्री को काट के ऑलरेडी कर लिए, फूल वगैरह सभी धो लिए नीम वाला दोस्तों,
और चलिए कढ़ाई में तेल छोड़ते हैं। बस ज़्यादा तेल नहीं देंगे दोस्तों, 1 से 1.5 चम्मच देंगे। और चलिए मिर्चा पहले देंगे, मिर्चा, प्याज का फोरन। तो तेल गरम हो गया दोस्तों, तो चलिए मिर्चा पहले खुशबू दे रही है। और ये देखिए दोस्तों, तड़का भुंजा गया, तो चलिए नीम फूल को दे दे रहे हैं। तो थोड़ा सा नमक दे दो, फूल को अच्छी तरह से भुंजेंगे। और ये देखिए दोस्तों, फूल अच्छी तरह से, नीम फूल भुंजा गया, तो चलिए आलू को दे दे रहे हैं। और नमक थोड़ा सा और छोड़ दो, हल्का सा एकदम स्वाद के अनुसार। चलिए आलू को अच्छी तरह से भूंज ले रही है खुशबू। और इसके बाद खटाई को डालेंगे दोस्तों, मसाला डालने के बाद। तो चलिए आलू को अच्छी तरह से भूनते हैं। चलिए आलू अच्छी तरह से भुंजा गया दोस्तों, तो चलिए हल्दी देते हैं। और ये देखिए हल्दी दे दिए अच्छी तरह से, इसे भी मिला लेते हैं दोस्तों, एकदम दिखने लगा। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला अच्छी तरह से भुंजा गया। और वो देखिए खटाई जो इमली है दोस्तों, खुशबू मैश के पूरे अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेगी। इसके बाद नीम फूल वाला सब्जी में डालेंगे, क्योंकि इससे कड़वाहट ख़त्म हो जाता है दोस्तों। हो गया खुशबू। और ये देखिए दोस्तों, मसाला अच्छी तरह से भुंजा गया, तो चलिए अब खटाई को खुशबू दे दे रही है, सभी को डाल दो। और थोड़ा सा और पानी देते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पकाना पड़ता है दोस्तों। चलिए बस इतना काफ़ी है, और बहुत ही मस्त रेसिपी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसे ढक्कन देते हैं और 5 मिनट उबाल लगवा लेते हैं, अच्छी तरह से पका लेते हैं। और मेरा नीम फूल का सब्जी ऑलरेडी 5 मिनट में तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ढक्कन दे दिए, वेट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, नीम फूल का सब्जी रेसिपी तैयार हो गया, तो चलिए उतार लेते हैं। तो उतारो खुशबू, और देखिए कितना मस्त एकदम सब्जी बन गया। ये देखिए, अरे देखिए कितना ही मस्त एकदम नीम फूल का सब्जी, देखिए कितना मस्त बन गया दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग इसे चेक करके आप सभी को बताएंगे और खा के भी दिखाएंगे दोस्तों, नीम फूल का सब्जी कितना मस्त लगता है और खाने में कैसा टेस्ट लगता है दोस्तों। तो आप सभी बने रहें। और ये देखिए दोस्तों, नीम फूल का सब्जी और भात लग गया। तो दोस्तों आप सभी भी आइए, और चलिए आप सभी को नीम फूल का सब्जी टेस्ट करके आप सभी को बताते हैं और खा के भी दिखाते हैं दोस्तों कि नीम फूल का सब्जी रियल में हम लोग खाते हैं दोस्तों, और टेस्ट भी बहुत ही मस्त लगता है। तो चलिए आप सभी बने रहें, तो चलिए खा के आप सभी को बताते हैं टेस्ट। बहुत ही मस्त लगा दोस्तों, और ये देखिए फूल फूल एकदम मस्त मस्त, तो बहुत ही मस्त लगता है दोस्तों। और नीम फूल का सब्जी खाने से बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।